माँ का गायब होने वाला नायाब लहंगा। जुगनू बहुत ही भोली और सुंदर थी, सभी कला से निपुण थी, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। जुगनू की दुनिया ही अलग थी, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, वो गूंगी थी। जब वो 5 साल की थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद उसके पिता राम रतन ने कल्याणी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। कल्याणी, ये मेरी बेटी है जुगनी, और मैंने तुमसे शादी इसी के देखभाल के लिए किया है, क्योंकि मुझे अक्सर काम के सिलसिले से बाहर जाना होता है। तो अब तुम आ गई हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम जुगनी का अच्छे से ख्याल रखोगी। आप चिंता ना कीजिए जी, मैं जुगनी बेटी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। कल्याणी राम रतन के सामने तो जुगनी से प्यार करने का दिखावा करती, लेकिन उनके जाते ही उससे घर के सारे काम करवाती। चूँकि जुगनी अपने पिता को कुछ बता भी नहीं सकती थी, तो वो इस बात का और भी ज्यादा फायदा उठाती थी। क्यों रे गूंगी, खाना बन गया क्या? और सुन, रोटी पतली पतली और गोल गोल होनी चाहिए, समझी? अब जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरे पापा आने ही वाले होंगे। खाने में जरा भी गड़बड़ी हुई ना, तो देखना मैं तुझे 2 दिनों तक भूखा ही रखूंगी, समझी? अरे भाई, किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? ए, जल्दी यहाँ से हट, लगता है तेरे पिताजी आ गए हैं। जल्दी से ये बेलना मुझे दे। उसके बाद कल्याणी रोटी बेलने लगती है, तभी उधर से राम रतन आते हैं। अरे भाई, किस पर इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी? अरे मत पूछिए जी, हमारी लाडो रानी कब से मेरे पीछे पड़ी थी कि उसे कहानी सुननी है, तो मैं उससे ही एक डायन की कहानी सुना रही थी। कल्याणी, तू मेरी बेटी का कितना ख्याल रखती हो, अब जल्दी से खाना बना लो, मुझे भूख लग रही है। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धोकर आराम करिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी या काम भी करेगी? अब जल्दी जल्दी रोटी बना और पापा के लिए खाना निकाल दे। ऐसी ही एक दिन राम रतन अपनी अलमीरा में से एक बक्सा निकालकर उसमें रखे गहने देख रहा था, तभी कल्याणी वहाँ आती है और कहती है, अजी इतने सारे गहने, ये तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे, क्या ये आप मेरे लिए लाए हो? अरे कल्याणी, अब इस उम्र में गहने पहनकर तुम कहाँ जाओगी? ये गहने तो मेरी बेटी जुगनी के हैं, जो उसकी सगी माँ ने उसके लिए बनवाए थे। उसकी माँ की यही आखिरी इच्छा थी कि जब जुगनी 18 साल की हो जाए, तब हम ये सारे गहने उसको दे दे। देखिए जी, सोतेली ही सही, लेकिन मैं भी जुगनी को उसकी सगी माँ की तरह ही प्यार करती हूँ, ये मैं आपसे कह देती हूँ। हाँ जानता हूँ जानता हूँ, लेकिन तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम ही तो हो जो जुगनी के माँ के जाने के बाद उसका एक माँ की तरह ख्याल रखते आई हो, और मुझे पता है ये सब जानकर तुम्हें भी बहुत खुशी हो रही होगी। आखिर मेरी जुगनी के पास इतने सारे गहने हैं। लगता है इस गंजे का दिमाग खराब हो गया है। सबसे पहले ये सारे गहने मैं अपने अंदर करूँगी, जिसके बाद मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। सुनो, मैं कल ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, 10 दिनों के बाद ही मेरा वापस आना होगा। अभी तो मैं इस गहने को अलमीरा में रखकर उसका चाबी अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन अगले महीने जब जुगनू 18 साल की हो जाएगी, तब इस सारे गहने मैं उसके जन्मदिन पर तोहफे में उसे दूंगा। अब जाओ, जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो। इसका मतलब मुझे जो कुछ भी करने से 10 दिनों के अंदर ही करना होगा। अगले दिन राम रतन के जाने के बाद उसके घर कल्याणी की बड़ी बहन परमिला आती है। अरे दीदी, आप अंदर आओ ना, बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे ये तो क्या कह रही है, एक बक्से में भरा हुआ सोना? एक बक्सा भर कर सोना तो वो सारा उस गूंगी को देगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो मैं क्या करूं दीदी, ये तो अपनी बेटी के आगे मेरी को सुनते ही नहीं है। अपनी बेटी के लिए तो उन्होंने बक्से भर कर गहने बनवा रखे हैं, लेकिन मुझे आज तक सोना तो छोड़ो, लोहे का भी हार नहीं दिया इस आदमी ने। तू चिंता मत कर बहना, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा क्या करोगी दीदी? फिनिश। किसका? गहनों का? अरे नहीं नहीं पागल कहीं की, तेरी उस गूंगी बेटी का। अरे जुगनू बेटी, आज तो तूने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था, रोटी भी गोल गोल थी, आखिर आज तूने खाने में कौन सा जादू किया? लगता है तेरा दिमाग हिल गया है, तुझे पता नहीं कि वो बेचारी गूंगी है, बोल नहीं सकती। बेटी जुगनी, मेरे पास आ जा बेटा, आज सुबह से तुमने बहुत काम किया है, चलो अब हम सब मिलकर खेल खेलते हैं, आँख मिचोली का खेल। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी आँखों पर पट्टी बांधूंगी और तुम्हें छुपना होगा, ठीक है बेटी, आ मेरे साथ। उसके बाद दोनों बहनें जुगनी की आँखों पर पट्टी बांधकर उसे गांव से दूर एक सुनसान घर के पास लेकर जाती हैं और उस घर के अंदर जाकर उसे छोड़ देती है। बेटा अब तू यहीं पर छुप जा और मन ही मन 10 तक गिन, तब तक हम लोग छुप जाते हैं, उसके बाद हमें ढूंढना। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर बाहर से उस घर का दरवाजा बंद कर देती हैं। दीदी अगर ये आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अरे घबराने की जरूरत नहीं है,
तू बहाना बना देना कि तू जुगनू को घर पर छोड़कर बाजार सब्जी लेने गई थी और जब वापस आई तो वो घर में थी ही नहीं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सांप भी मर गया और लाठी भी सही सलामत है। आओ दीदी बैठकर चिकन का मजा लेते हैं। इधर जुगनी आंखों में पट्टी बांधे घर में इधर से उधर सबको ढूंढ रही थी और रो रही थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर जुगनी की स्वर्गवासी माँ वहाँ प्रकट हो जाती है। डरो मत जुगनू, मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। बेटी मेरी जुगनू, बेटी इधर आ और बोलने की कोशिश कर। एक बार अपनी माँ को प्यार से माँ बोल दे बेटा। बेटी अब से तू बोल पाएगी। उसके बाद जुगनू जैसे ही बोलने की कोशिश करती है उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, माँ माँ मुझे बचा लो माँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे माँ। घबराओ मत बच्ची, अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और माँ अब मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूंगी माँ। बेटी ये ले, ये जादुई गायब होने वाला नायाब लहंगा है। इस लहंगे को पहनते ही तू किसी को भी दिखाई नहीं देगी और इस लहंगा को पहनने के बाद तुझे कोई भी कहीं भी कैद करके नहीं रख सकता। जा बेटी अब तू जा। उसके बाद जुगनू उस लहंगा को पहनकर अपने घर आ जाती है लेकिन वो किसी को भी दिखाई नहीं देती है। अच्छा तो मुझे घर में बंद करके ये लोग यहाँ बैठकर मजे से बिरयानी खाते हुए टीवी देख रहे हैं, मैं अभी इनको मजा चखाती हूँ। जुगनी उनकी थाली से सारा बिरयानी गायब कर देती है। ये क्या दीदी, तू कोई राक्षस है क्या? अभी तो प्लेट भरकर बिरयानी लाई थी और तू एक ही बार में सारा खा गई। क्या बोली, तू खुद ही डायन है, खुद ही सारा ठूस ली है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। ठीक है कोई बात नहीं, तुझे भूख लगी है तो तुम उसे मांग कर भी तो खा सकती है। खैर अभी भी बहुत खाना बचा है, मैं और लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कल्याणी खाना लेने चली जाती है। लगता है इस घर में हर चीज ही खराब है, एक तो इतना छोटा सा टीवी है, कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता। तभी टीवी का साइज बढ़ने लगता है। हे भगवान ये क्या हो रहा है, अरे बचाओ ये क्या हो रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं इस घर में, बचाओ बचाओ ये टीवी तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है आज तेरे ऊपर ही कोई भूत सवार हो गया है दीदी, पागलों की तरह हरकत कर रही है। वो देख टीवी अपनी जगह पर ही है। अरे बाप रे ये तो सही हो गया, पर ये हुआ कैसे? तभी घर में रखी बाकी चीजों में भी हलचल होने लगती है, चीजें हवा में उड़ने लगती है। कल्याणी मुझे लगता है तेरे घर में जरूर कोई भूत है। अब मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। हे भगवान मेरी कौन सी मति मारी गई थी कि मैं तेरे कहने पर भागी भागी तेरे घर चली आई। मुझे माफ कर दो भूत जी, हम लोग अच्छे लोग हैं, हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हमें छोड़ दो। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। सबसे पहले जा और जल्दी से जुगनी को उस घर में से बाहर निकाल कर ला। ठीक है हम अभी जाते हैं, चलो दीदी। पहले मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद से तुम लोग जुगनू का अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर आज के बाद से तुमने जुगनू को जरा सा भी तकलीफ दी तो मैं तुम दोनों का कीमा बनाकर खा जाऊंगी। ठीक है आज से हम जुगनू को कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, हम उसे रानी बनाकर अपने घर में रखेंगे, हम वादा करते हैं। उसके बाद दोनों बहनें जाकर जुगनू को उस कमरे से बाहर निकालती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों को कोई भूत मिल गया था क्या? इतने डरे हुए क्यों हो? जुगनू हमें माफ कर दे बेटा, आज से हम तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेंगे, हमें माफ कर दे बेटा। उस दिन के बाद से कल्याणी जुगनू को सगी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और जुगनी की आवाज भी उसे मिल जाती है। अमीर वर्सेस गरीब का ब्यूटी पार्लर। गंगापुर गांव में पूर्वी और रचना नाम की दो सहेलियां रहा करती थी और उन दोनों को ही बचपन से मेकअप करने का बहुत ही शौक था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच अमीरी और गरीबी को लेकर एक बहुत ज्यादा फर्क था, क्योंकि पूर्वी एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसकी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और उसी से पूर्वी के घर का गुजारा हुआ करता था। वही रचना गांव के मुखिया की बेटी थी जिसके पास बहुत सारा पैसा था और इसी वजह से रचना को भी अपने अमीर होने पे बहुत ही ज्यादा घमंड हुआ करता था। तभी एक दिन, अरे रचना ये तेरी आंखों के ऊपर क्या लगा हुआ है, इधर आ मैं देखती हूँ कहीं कोई बाल का टुकड़ा तो नहीं चिपका हुआ है। ओफो पूर्वी तुझे तो फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये तो मैंने अपनी आंखों के ऊपर आई लेंसेस लगा रखी है, इससे हमारी पलकें और भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगती है। क्या आई लेंसेस, भला ऐसा भी कोई चीज होता है क्या, और तुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है, तेरी पलकें तो पहले से ही इतनी सुंदर और बड़ी बड़ी है,
और उल्टा ये तो बहुत अजीब लग रहा है, मानो जैसे तेरी पलकें कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए तेरी आंखों पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, तुझे क्या पता आजकल के ब्यूटी पार्लर में कितने तरह तरह के नए नए ब्यूटी आइटम्स आ गए हैं, तुझे तो बस वही घिसा पिटा मेकअप करना आता है। अच्छा तो तूने शहर जाकर थोड़ा बहुत पार्लर का कोर्स क्या कर लिया, तुझे मुझसे ज्यादा मेकअप के बारे में पता चल गया है ना? और नहीं तो क्या, शहर जाकर मैंने हाई लेवल का ब्यूटीशियन का कोर्स किया है, इसलिए मुझे मेकअप के बारे में सारी नॉलेज है। और अब तो मैंने सोच भी लिया है कि मैं शहर जाकर अपना एक बहुत बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। क्या तू शहर जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोलेगी? और नहीं तो क्या, वैसे भी इस गांव में रखा ही क्या है, तुझे तो पता है ना, वहाँ मेकअप करवाने वाले 5-5, 6-6 हजार रुपए देकर जाते हैं, और यहाँ के लोगों से तो 100 रुपए भी मांग लो वो भी इन लोगों पे भारी पड़ता है। क्या क्या तू सच कह रही है, 5-6 हजार रुपए? अरे इतने सारे पैसे तो मैं पूरे साल में भी नहीं कमा पाती हूँ। हाँ हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ कि तुझे ब्यूटी पार्लर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हाई लेवल के ब्यूटी पार्लर में जाना तुम जैसे गरीब लोगों के बस की बात तो नहीं होती है, वहाँ बस वही लोग आते हैं जो अमीर और पैसे वाले होते हैं। कोई बात नहीं रचना, मैंने भी तेरे जाने के बाद अपनी माँ से बहुत सारे आयुर्वेदिक मेकअप के नुस्खे सीखे हैं। तुझे पता है आयुर्वेदिक मेकअप की वजह से हम अपनी त्वचा और अपने बालों को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तुझे जानना है मेरी माँ ने मुझे क्या क्या सिखाया है? अरे रुको, मुझे तुम्हारी माँ के आयुर्वेदिक मेकअप के नुस्खे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे बाल और मेरी त्वचा पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है, और वो हमेशा पूर्वी को अपनी बातों से उसकी गरीबी का एहसास दिलाया करती थी और अपने पैसों का घमंड दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन फिर रचना पूर्वी के घर आती है, उसी समय पूर्वी उससे कहती है, अरे रचना तू एक बार फिर से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो तुझे बाद में पछताना पड़े। तुझे मेरे बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है, और मेरे पिताजी ने भी शहर में मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने की सारी तैयारी कर ली है, तो बस देखती रहना, कुछ ही महीनों में मेरा ब्यूटी पार्लर शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर में से एक कहलाएगा। लेकिन तूने तो मेरे साथ यहाँ गाँव में रहकर ब्यूटी पार्लर खोलने का वादा किया था ना, फिर अब तू ये सब छोड़कर शहर कैसे जा सकती है? अरे तुझे क्या लगता है मैं तेरे लिए जिंदगी भर इसी गांव में बैठी रहूंगी? नहीं, मैं अपना ब्यूटी पार्लर का नाम बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ, जहाँ हर कोई सिर्फ मेरे ब्यूटी पार्लर की ही चर्चा करे। इसलिए अगर तुझे मेरे ब्यूटी पार्लर में अगर काम करना है तो तू आकर कर सकती है, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं रहने दे रचना, मैं इस गाँव में ही ठीक हूँ, तू जा, तू शहर में जाकर अपने नए ब्यूटी पार्लर की शुरुआत कर, मैं यहाँ गाँव में अपना देख लूंगी। पूर्वी की ये बात सुनकर रचना मुस्कुराते हुए वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है, और शहर में जाकर वो अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोलती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लग रहा था, और साथ ही साथ वे अपने ब्यूटी पार्लर में 2 हेयर स्टाइलिस्ट भी रख लेती है, जिसकी वजह से वो अपने ब्यूटी पार्लर में आने वाले कस्टमर से बहुत ही ज्यादा पैसे चार्ज किया करती थी, और इस वजह से रचना की अच्छी खासी कमाई हो रही थी, और उसका ब्यूटी पार्लर भी शहर में अच्छे खासे लेवल पर चलने लगता है। लेकिन तभी एक दिन निमृता नाम के एक कस्टमर वहाँ पर आती है, जिसे देखकर रचना कहती है, अरे मैडम आप यहाँ, क्या आपको दोबारा से अपना फेशियल करवाना है? जस्ट शट अप, तुम्हारे इस घटिया ब्यूटी पार्लर में आकर मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। ये देखो तुम्हारे कल के ब्लीच फेशियल की वजह से मेरे पूरे मुंह पर लाल लाल धब्बे पड़ गए हैं। अब क्या कल मैं अपनी सगाई में ऐसा चेहरा लेकर जाऊंगी, बताओ? अरे मैडम आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? हम आपके चेहरे को अभी ठीक कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है दोबारा अपना एक्सपेरिमेंट करने की, एक तो एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट हम लोगों के चेहरे पर इस्तेमाल करती हो, ऊपर से मुझे सफाई दे रही हो। अब तुम देखना मैं तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर को कैसे रोड पर ले आती हूँ। जब सोशल मीडिया पर तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर की असलियत सबको पता चलेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा कि लोगों के चेहरों के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है।
इतना बोलकर वो लेडी सोशल मीडिया पर रचना के ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत ही ज्यादा गंदे कमेंट कर देती है, जिस वजह से अब रचना के ब्यूटी पार्लर में कस्टमर का आना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में रचना को अपना ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ता है। तभी एक दिन जब रचना फेसबुक पर निमृता की सगाई की फोटोज देखती है तो वो कहती है, अरे इसकी सगाई वाले दिन इसका चेहरा इतना सुंदर और खूबसूरत कैसे लग रहा है, एक दिन पहले तो इसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया था ना, फिर अचानक से इसका चेहरा ठीक कैसे हो गया। इस बात को जानने के लिए रचना जब निमृता को फोन करके इस बारे में पूछती है तो वो सच सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि नम्रता जो पहले उसकी कस्टमर हुआ करती थी आज वो किसी और की कस्टमर बन चुकी है, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त पूर्वी होती है, जिसने गांव में ही अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल रखा था, जो रचना के ब्यूटी पार्लर के जितना बड़ा तो नहीं था पर फिर भी उसके ब्यूटी पार्लर के सामने कस्टमर की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि पूर्वी अपने माँ के सिखाए हुए आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से लोगों का बहुत ही सुंदर मेकअप किया करती थी, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम हुआ करती थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती थी, वो भी बहुत ही कम पैसों में। और इसी वजह से कुछ ही महीनों में पूर्वी का ब्यूटी पार्लर शहर तक मशहूर हो जाता है, और ये देखकर रचना का घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वो पूर्वी के ब्यूटी पार्लर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसी समय जब पूर्वी बाहर आती है तो कहती है, अरे रचना तू यहाँ पर तू ऐसे बाहर क्यों खड़ी है, चल अंदर आ और बता कैसा चल रहा है तेरा नया ब्यूटी पार्लर। पूर्वी की ये बातें सुनकर रचना रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है, सब खत्म हो गया पूर्वी और मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए पैसा नहीं बल्कि हाथों में हुनर होना चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। पर आज मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो तूने सोचा था तूने वो कर दिखाया। ये सब मैंने अपने हुनर की वजह से नहीं बल्कि अपनी माँ के सिखाए हुए आयुर्वेदिक नुस्खों की वजह से हासिल किया है, इसलिए अब तू भी जल्दी से ये सारे नुस्खे सीख ले और लग जा मेरे साथ काम पर, हम दोनों मिलकर अपना ये ब्यूटी पार्लर गांव में ही चलाएंगे। इतना सुनकर पूर्वी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों सहेलियां मिलकर अपना आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू कर देती है।